स्टोक्स ने सिराज से कहा कुछ ऐसा कि भड़क गए कोहली, अंपायर को बीच में कूदना पड़ा। क्या है पूरी खबर, बताएंगे इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा और अंतिम मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड ने 50 का स्कोर होने से पहले ही अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए। जैक क्राउली 2, डोमिनिक सिबली 9 और कप्तान जो रूट 5 जल्दी जल्दी आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर बेन स्टोक आए। क्रीज पर आने के बाद स्टोक और भारतीय कप्तान विराट कोहली के बीच कहासुनी भी हुई। दरअसल बेन स्टोक ने मोहम्मद सिराज को कुछ कहा था जिससे विराट कोहली नाराज हो गए। सिराज ने बेन स्टोक को बाउंसर डाला जिसके बाद स्टोक ने सिराज से कुछ कहा। इसके बाद विराट कोहली आगे बढ़कर बेन स्टोक के पास गए। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ बहस हुई। दोनों की बहस शायद बड़ी थी क्योंकि इस मामले में अंपायर को बीच में कूदना पड़ा। हालांकि इन खिलाड़ियों के बीच की इस बात को लेकर बहस हुई इसके बारे में अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंपायर ने बीच में आकर इस मामले को सुलझा दिया। बता दें कि इससे पहले इसी मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान भी विराट कोहली और बेन स्टोक के बीच मैटर हुआ था। हालांकि उस दौरान हुआ वह मैटर मजाकिया था। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाड़ी ने स्क्रीन में गड़बड़ी के कारण अपनी बल्लेबाजी को बीच में रोक दिया था, तब भी विराट कोहली ने बेन स्टोक से मजाकिया अंदाज में कुछ कहा था। बता दें चौथे टेस्ट में भारत के स्पिनर अक्षर पटेल ने जैक क्राउली और डोमिनिक सिबली को पवेलियन की राह दिखाई, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का विकेट हासिल किया। फिलहाल भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही है। देखना अब दिलचस्प होगा कि यह टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतती है। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।